हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रक्षाबंधन के मौके पर बनाने जा रहे हैं केसरी रबड़ी घेवर। फ्रेंड्स, घेवर की रेसिपी तो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे। आज हम घेवर बनाएंगे, इसके लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घेवर तैयार करेंगे, जिससे कि आपका भी घेवर एकदम बाजार जैसा परफेक्ट बने और स्वादिष्ट भी लगे। और घेवर बनाना आपको मुश्किल काम ना लगे, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये कितना स्वादिष्ट और कितना बढ़िया घेवर बना है। लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे घर पर बनाया है, लेकिन इसे हमने घर पर बनाया है। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए चलिए शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, चौड़ा बर्तन लिया है हमने। उसमें हम 4 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे, आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। देखिए, ये 4 चम्मच घी है, और अगर कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप है। साथ ही हमने घी में ये 3-4 क्यूब्स डाल दिए हैं आइस की। अब हम आइस क्यूब के साथ घी को इस तरीके से फेंटेंगे। देखिए, घी थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। ये देखिए, घी की कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है। 2 मिनट और फेंटने के बाद घी इस तरीके से हो जाएगा, एकदम मलाई की तरह से, और इसमें जरा सा भी लम्स या दाना नहीं रहेगा। अब हम ये आइस क्यूब्स निकाल देते हैं। ये देखिए, एकदम वाइट हो गया है घी, और बिल्कुल क्रीम की तरह फूल गया है। अब हम ये 1 कप मैदा लेंगे, ये नापी हुई 1 कप मैदा है, ग्राम में ये 180 ग्राम होगी। अब घी के साथ हम इस मैदा को मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, सारी मैदा एक साथ नहीं डालनी है, इसको हमें 3 से 4 बार में डालना है। थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे और साथ में इसको इस तरीके से फेंटते जाएंगे। देखिए, अभी हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, अभी हम घी में ही सारी मैदा फेंट रहे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये एकदम चिल्ड पानी है। फ्रेंड्स, हमें पानी एकदम चिल्ड लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी घेवर परफेक्ट बनेगा। और इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। ये हमने दूध में भिगो के केसर रखी हुई थी, ये इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसको फिर से फेंटेंगे। हम केसरी घेवर बना रहे हैं, इसलिए हम केसर का यूज़ कर रहे हैं। फिर से हम ठंडा पानी डाल के इसको फेंटेंगे। मैदा में लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स। अब हम मिक्सी ले लेंगे, मिक्सी में हम ये सारा बैटर डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच नींबू डाल देंगे और मिक्सी को चला लेंगे। एक बड़े बर्तन में हम कुछ आइस क्यूब रख देंगे और उसके ऊपर हम एक कटोरा रख देंगे, क्योंकि हमें बैटर को ठंडा ही रखना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब छलनी में हम इस बैटर को छान लेंगे, वैसे तो इसमें कोई लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार छान लेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इतना बैटर बनाने के लिए हमने 1 लीटर चिल्ड वाटर का यूज़ किया है। अब हम एक सॉस बॉटल में इस बैटर को भर लेंगे। हम आपको चमचे से भी घेवर बनाना बताएंगे, साथ ही हमने, अगर आपके पास सॉस की बॉटल नहीं है तो सिंपल पेप्सी की बॉटल से कैसे बनाते हैं वो भी हमने पिछले घेवर की रेसिपी में बताया हुआ है, आप ऑप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ये हमने सॉस पैन लिया है, इसमें हम घेवर बनाएंगे।
ये हमने आधे से भी कम घी इसमें लिया है। ऑयल को ज़्यादा नहीं भरना है वरना ये बैटर डालते समय उछलेगा, इसलिए इसको हमें आधे से कम ही रखना है। ऑयल गरम हो गया है, अब हम धीरे धीरे करके इसमें बैटर डालेंगे। फ्रेंड्स, गैस तेज ही होनी चाहिए लेकिन ये बर्तन से बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे बैटर इसमें डालते रहेंगे और ये चारों तरफ से जाला सा बन गया है और बैटर को हमें बीच से ही डालना है। ये हम चमचे से डाल रहे हैं अभी। ये देखिए, ये घेवर बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, जाला अच्छे से पड़ गया है। हमें बैटर को बीच में ही डालना है। अगर बीच में जगह ना रहे तो आप किसी स्पून की सहायता से या लकड़ी की सहायता से बीच में छेद कर लें और उसमें बैटर डालते जाएं। फ्रेंड्स, ये हमने 25 से 30 बार बैटर डाला है, थोड़ा थोड़ा करके। एक बार झाग सेटल डाउन हो जाए उसके बाद ही हमें बैटर डालना है। घेवर हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। आप पतला मोटा जैसा घेवर बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अब हम एक चाकू की सहायता से इस तरीके से इसके किनारे लूज कर लेंगे, इस तरीके से, बहुत ही आहिस्ता से, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब हम इसको चारों तरफ से घी से सेक लेंगे। ये सेक चुका है, ये देखिए ब्राउन हो गया है। ये इससे ज़्यादा इसे ना सेके। अब हम इसको बहुत आहिस्ता से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। इसे हमने एक जाली पर रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाए। ये हम सॉस बॉटल से देखिए दूसरा घेवर बना रहे हैं। सॉस की बॉटल से बैटर को डालना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये घेवर भी बनके लगभग तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, एक कप मैदा में हमारे लगभग 6 से 7 घेवर बनके तैयार हो गए हैं। हमने कई घेवर बनाए हैं, इसकी वजह से पैन भी थोड़ा ब्लैक हो गया है। आप अगर इससे मोटा घेवर बनाना चाहते हैं तो आप बैटर को और 4-5 बार एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो घेवर और भी मोटा बन जाएगा। ये घेवर भी बनके तैयार हो गया है, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये घेवर भी बनके तैयार हो गया, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, सभी घेवर उसी तरीके से हमने बना लिए हैं और ये कितने बढ़िया घेवर बने हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है और इसकी थिकनेस भी देखिए कितनी बढ़िया थिकनेस है
और एकदम जाली परफेक्ट बनी हुई है इसकी। अब हम इनके लिए चाशनी बना लेते हैं। एक कप चीनी लेंगे और उसमें आधा कप पानी डाल देंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट हो गई है। हमें एकदम गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, थोड़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए। सिर्फ हाथ से चिपके हम एक बार चेक कर लेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद करके आधे नींबू का रस इसमें डाल देंगे, जिससे कि चाशनी में क्रिस्टल ना बने, और इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या इलायची पाउडर भी। अब हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे। इसे हमने एक जाली के ऊपर रख लिया है और नीचे प्लेट लगा ली है। इसके ऊपर हम अच्छे से चाशनी लगा देंगे। हम सभी घेवर को एक दूसरे के ऊपर रख के भी चाशनी इस तरीके से कोट कर सकते हैं। ये हमने चाशनी लगा दी है। अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। फ्रेंड्स, रबड़ी की रेसिपी हमने पहले भी शेयर की है, हम लिंक्स शेयर कर देंगे। हमने उसमें भी केसर का यूज़ किया था और इस रबड़ी में भी हमने केसर डाली है, क्योंकि हम केसरी घेवर बना रहे हैं। अब हम रबड़ी को इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी और रबड़ी दोनों ही चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। गाढ़ी और पतली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रबड़ी एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी रबड़ी होगी तो वो वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। ये हमने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। कुछ केसर की पत्तियाँ, केसर वाला दूध, क्योंकि केसरी घेवर बना रहे हैं तो ऊपर से लगना चाहिए कि इस पे केसर भी लगी हुई है। साथ ही हम ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बादाम और पिस्ता। इससे देखने में और थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, मार्केट स्टाइल घेवर हमारा बनके तैयार हो गया है, और वो भी घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत कम पैसे में। इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इसी तरीके से अगर मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका घेवर एक बार में ही बढ़िया बनेगा। अब आपको घेवर बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी घेवर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।